What's going on, guys? My name is Ayush, and you're watching Ayush Technical. Let's get we start. तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई बैकग्राउंड को रिमूव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन हो या फिर ब्लू स्क्रीन या फिर ब्लैक स्क्रीन हो, आपको उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो भी कैमटेशिया में। मैं जानता हूँ कैमटेशिया इतना हैवी एंड सॉफ्टवेयर नहीं है एडिटिंग के लिए, जैसे कि वेगास और प्रीमियम प्रो या एडोबी के सीसी हो, जो भी अलग अलग आते हैं उनके जितना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। पर आप ग्रीन स्क्रीन है वैसे बेसिक काम तो आराम से कर सकते हैं इसमें, और आपको ज़्यादा इसमें नॉलेज ना हो तो भी आप ये कर सकते हैं, अपने से आप तो आपको भी मिल जाएगा ये कहाँ पे है। तो आज के इस वीडियो में हम कैमटेशिया को यूज़ करने वाला है। कैमटेशिया मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और कैमटेशिया के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई है। आप चाहे तो ऊपर कार्ड में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में भी मैंने लास्ट में लिंक दे दी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आगे तो जो हम जल्दी से हम कैमटेशिया ओपन कर लेंगे। कैमटेशिया का टेक्स्टमेट का सॉफ्टवेयर है अगर आपको पता ना हो तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रैक लोड कर लेता हूँ जैसे जस्ट बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके ऑडियो को बंद कर देता हूँ। ओके, ये ऑडियो मैं बंद कर दी, और थोड़े आगे ला देता हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ इसलिए ये ठीक से दिखे। तो यहाँ पे मैं इस ट्रैक को मैं लोड कर देता हूँ। ये लोअर थ्रेड्स है जो नीचे के आप जैसे आप देखते हो फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के, आपको यहाँ पे पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, आप कोई भी कलर का हो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कंपलसरी ब्लैक हो तो ही रिमूव हो सकता है, आप चाहे तो ग्रीन भी रिमूव कर सकते हैं, ब्लू भी रिमूव कर सकते हैं, वो मैं आगे दिखा दूँ आपको। कोई अलग कलर हो तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं तो आगे वही बता दो। तो मैं इसे थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो आपको यहाँ पर विजुअल इफेक्ट में जाना है, आप यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं, या फिर ना मिले तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों में से कोई एक भी होगा या फिर चार भी हो सकता है आपका, ये जिसके आपको लंबा खींचेंगे तो विजुअल इफेक्ट और तीन चार बाहर आ जाएगा। पर मैं इसे छोटा रखता हूँ ताकि आपको मुझे ये वीडियो ट्रैक्स ज़्यादा दिखे। तो यहाँ पे कलर आपको यहाँ पे इस ट्रैक को मैं मिडल में लाता हूँ, रिमूव कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ट्रैक में ड्रैग कर लेना है या फिर राइट क्लिक करके ऐड टू सिलेक्टेड मीडिया पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे इस को बीच में ला देता हूँ इसलिए अब मुझे आपको पता चले कि कलर मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं रिमूव कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है आपको, या और यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आपका कलर ना मिले तो यहाँ पे ये पेन जैसा है साइन है, ड्रॉप आई ड्रॉपर जैसा साइन है, एयर ड्रॉपर जो भी है, तो आपको वहाँ पे लेके आपको उस कलर पे सिलेक्ट करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं रिमूव हो गया, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कलर रिमूव हो गया। मैं आपको एक बार इसे प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आइडिया मिले कि कैसा लग रहा है। आप जैसे कि देख सकते हो नीचे फेसबुक लिखा हुआ आ गया, वैसे अलग अलग आएंगे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर तीनों ही आएंगे। तो आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और आपको अगर आपके वीडियो में आसपास कुछ ब्लैकिश साइन हो या फिर कुछ कलर थोड़ा ना गया हो तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं। यहाँ पे टोलरनेस पता नहीं क्या है, टोलरनेस जो भी लिखा है उसको आपको कम ज़्यादा करना है, जिससे आपकी एजिस है वो थोड़ी अच्छी लिखेगी। आपको ज़्यादा सिलेक्ट हो गया तो इसे फुल कर देंगे तो आपको कम थोड़ा ऊपर के साइड सिलेक्ट हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट है ना था। सॉफ्टनेस आपकी जो एजिस है वो कैसी होगी, तो यहाँ पे सॉफ्टनेस मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए। तो यहाँ पे इसके भी 10 शायद है, हाँ 10 ही है। और ह्यू पता नहीं ह्यू का क्या यूज़ है, आई थिंक वो जो डॉट डॉट दिखता है वो ह्यू से फिक्स हो जाता है। पर मैक्सिमम टाइम आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हो तो आपको ह्यू और सॉफ्टनेस यूज़ करना पड़ेगा। और ये लास्ट है डीप फ्रिंज, उसको उसका मुझे यूज़ नहीं पता। और इन्वर्स का आपको जो भी आपको आपने रिमूव किया उसका उल्टा सिलेक्ट हो जाएगा, जिसे हम इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यही था आज के इस वीडियो में, तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको सलाह जो नहीं कमेंट करके अपने कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।